ये कॉमा के साथ एस क्या आपको भी कंफ्यूज करता है? अगर हाँ तो इस रील को सेव कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगी। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कॉमा नहीं अपोस्ट्रोफे होता है, जिसका यूज हम अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन को डिनोट करने के लिए किया करते हैं। अब कंफ्यूजन कहां पर अराइज होती है? कभी कभी इस कॉमे के बाद एस लिखा मिलता है और कभी कभी इस कॉमे से पहले एस लिखा मिलता है। तो पहले कब आएगा एस और बाद में कब आएगा एस, आइए जानते हैं। कॉमे के बाद एस तब आता है जब हम किसी सिंगुलर चीज का पोजीशन दिखाने की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ब्रदर्स फ्रेंड, इसका मतलब क्या है? मेरे भाई का दोस्त। अगर हम इस कॉमे से पहले एस लिख देंगे इट मींस ये अब प्लूरल चीज के पोजीशन को दिखाएगा, ब्रदर्स फ्रेंड। अब क्या मतलब हुआ? भाइयों के दोस्तों की बात की गई है, ब्रदर्स फ्रेंड्स, भाइयों के दोस्तों की बात। एक और एग्जाम्पल से बात समझते हैं, एन ऑथर्स बुक, इसमें अपोस्ट्रोफे और एस आया, इसका मतलब किसी एक ऑथर की बात की गई है। दूसरे एग्जाम्पल को देख ले, ऑथर्स बुक्स, इसमें एस पहले आया है अपोस्ट्रोफे बाद में आया है, इट मींस ऑथर्स के बुक्स की बात की जा रही है। आई होप ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक और एग्जाम्पल आप मुझे बनाकर दिखाएं, मेरे दोस्तों की फैमिलीज, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।